नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं बागडोगरा में। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि बागडोगरा में फिलहाल कुछ स्थितियां जो हैं वो लगातार बिगड़ रही हैं। पेंडेमिक सिचुएशन में जहां लोग एक तरफ दो वक्त के खाने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पर बागडोगरा में कई ऐसे युवा हैं जो एक वक्त या दो वक्त के नशीली पदार्थों के सेवन के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है कि बागडोगरा आसपास के क्षेत्र में लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, चिंताई की घटना जो है बढ़ती जा रही है। पिछले खबर में हमने आपको दिखाया था बीते दिन के एक युवक नशे के आदि था और नशे के आदि की वजह से वह एक चिंताई करते हुए भाग रहा था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ के बागडोगरा थाने में सौंप दिया। अभी हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ठीक सामने SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक ऊपर होंडा शोरूम है और आसपास में कई तरह के दुकान है, पेट्रोल पंप है आगे। लेकिन आप सोचेंगे कि इस बिल्डिंग को हम क्यों दिखा रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है, जब इस बिल्डिंग के अंदर में आप जाएंगे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के बाथरूम में किस तरीके से नशीली पदार्थों का सेवन करने के बाद, इंजेक्ट होने के बाद उसकी जो वेस्ट मटेरियल है वो अंदर में कहाँ कहाँ पर है, आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक दूसरी जगह पर आप देख पा रहे हैं हम इसके जो ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर भी हम आपको देख पा रहे हैं कि कई तरह की नशीली पदार्थ यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब करने वाला जो नशीली पदार्थ है उसका सेवन कर रहे हैं। लाइटर्स आप देख पा रहे हैं, उससे जलाकर उसे सेवन करने की जो तरीका है वो देख पा रहे हैं। तो और एक वीडियो भी फिलहाल आपके सामने है जहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर में आप देख रहे हैं कि अंधेरा है और यहाँ पर चारों तरफ भारी संख्या, भारी मात्रा में जो है जो ड्रग्स है यानी कि जो नशीली पदार्थ है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, जिसका सेवन करने के बाद ये वेस्ट मटेरियल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये एक तरह से नशे का अड्डा है, ये बिल्डिंग जो है ये नशे का अड्डा बना हुआ है और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर जो नशीली पदार्थों का सेवन युवा करते हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, रिस्क है, लोग यहाँ पर जरूरी पैसे SBI बैंक है यहाँ पर, जो जहाँ पर लोग जरूरी पैसे निकालने के लिए आते हैं, कोई छोटी रकम निकालता है, कोई बड़ी रकम निकालता है, लेकिन अगर यहाँ पर आसपास में अगर किसी भी तरह का नशीली पदार्थ सेवन करने वाले युवा होते हैं तो वो कभी भी किसी भी तरह की चिंताएं करने से हटेंगे नहीं, वो कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार है दादा, की नाम अपना? नाम दीपू। की दुकान है खाना आपने लगा? अपना दुकान है। किरकुम चोरी हुए? এই তালা ভেঙে চিনি চা পাতা আপনি বিস্কুট ফিস্কুট এগুলোই চুরি হয়, গুটকা সিগারেট। কি মনে হয় কে এইটা কে করে? কে করে এটা বলা মুশকিল, দেখি তো না, রাত্রেবেলা বন্ধ করে যাই, সকালে এসে দেখি তালা ভাঙা, কালকেও তালা ভেঙে ছিঁড়ে দিছে, কালকে তো কিছু ছিল না তাই বেঁচে গেছি। এখানে তো অনেক দেখছি এই বিল্ডিং এর মধ্যে অনেক নশিলি পদার্থ যে আছে সেটা সেবন করছে লোক যুবরা, আর এখানে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল পড়া আছে, কি জানে এই ব্যাপারে? এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না, দেখেন এরা কে আসে কে যায়, আমরা তো দোকানদারি করবো না, দেখবো আমার তো চা দোকান, চা দিতে যাই এই দোকান ওই দোকান, এখন তো কে আসে কে যায় এটা বলা মুশকিল। কিন্তু এখানে যে এই যে নশিলি পদার্থের যে সেবন হয় সেই ব্যাপারে কি বলতে চান? সে ব্যাপারে এখন আমরা কি বলবো বলেন, এটা এখন প্রশাসন না বললে আমরা কিছু বলতে পারি না। না কে আসে কে যায়, ভালো লোক আর সবাই তো ভালো লোক, কে করে না করে এটা তো জানি না, না না জানে। এখানে আপনার দোকান লাগায় এখানে এত অসুবিধা হচ্ছে, আর আপনারা একটা ভালো একটা জিম্মেদার নাগরিক আছেন, সেই বিষয়ে আপনারা বলতেও চাচ্ছেন না, এমন কি আচ্ছা কি বলবো বলে, কাকে দেবো? তাকে তো চিনতে হবে না, কিন্তু আপনার অবজেকশন তো দিতে হবে কি হ্যাঁ এরকম না হোক প্রশাসন, সেটা তো আমরাও চাই যেরকম না, আপনারা বলবে আমি জানি না আমি চিনি না, আপনারা আপনারা সামনে থাকলে যদি আঁখ আর চোখ বন্ধ করে দেন তাহলে কি করে এই সমস্যাটা সমাধান হবে? আমি তো কাউকে চিনি না, কারো নাম জানি না, এখন যেমন আপনি আমরা বলছে আপনার নাম আমি জানি না, তো আপনি কি করে বলবো যে ওই লোক ওরকম, কারো তো নাম জানা নাই না। কিন্তু এরকম সমস্যা এখানে হচ্ছে সেটা নিয়ে কি বলতে চান? এই সমস্যাটা না করলে ভালো, যদি এটাতে কোনো বাধা দেওয়া হয় তাহলে ভালো, এদেরকে না করতে দেওয়া খুব উচিত, এতে কিছু ইয়াং জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটাই বলবো আর কি বলবো, এর থেকে তো কিছু বলা উচিত না। এখানে ইয়াহাঁ পর হামারে সাথ এক ইউয়া মৌজুদ হ্যাঁ উনসে হাম বাত করতে হ্যাঁ, ক্যা নাম হ্যায় আপকা? গোবিন্দ আদকা। क्या कहेंगे इस तरह की नशीली पदार्थों का सेवन यहाँ पर हो रहा है, भारी संख्या में हो रहा है, जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ का तो प्रशासन को तो सही करना चाहिए ना, यहाँ पे तो आते वो कहाँ से आते वो अपो मोटर बिहार मोड, वो भी तो कोई ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई चौकीदार भी नहीं है, यहाँ का प्रशासन अगर सही रहेगा दो तीन बार अगर रेट मारेगा तो अपने आप वहाना बंद कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारे साथ और एक युवा मौजूद हैं सुजू जी, थोड़ा सा बताइए अंदर, हम आप भी गए थे हम भी गए थे, हमने देखा पूरा
भारी संख्या में यहाँ पे नशीली पदार्थ है, बहुत बड़ी बड़ी जो जो नशे की जो चीज़ें हैं उसका सेवन यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरह से ये नशे का अड्डा बन गया है, ये जो बिल्डिंग है उसके अंदर की जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? यहाँ पर लगभग 10 से 12 लाख रुपये का ड्रग्स यहाँ पर खाना हो चुका है ये युवा लड़के लोग। मैं रात को आज रेड मारूंगा, यहाँ पे देखूंगा और पकड़ूंगा और पुलिस प्रशासन के हाथ में उन लोग को दे दूंगा और आप लोग को भी बुलाऊंगा साथ में। तो जैसे कि यहाँ पर लड़के यहाँ पे ड्रग्स या नशे की सेवन करते हैं और चोरी की घटना भी आसपास में गुजर रही है, तो क्या लगता है इसके इस जो चोरियाँ हो रही है इसके पीछे किसका हाथ है? शायद इन लोग के यहाँ तो होगा। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की जो असुविधाओं से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा समाज पर? बहुत भारी पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ लोग मौजूद थे, हम सिर्फ यही कहेंगे कि प्रशासन थोड़ा सा सावधानी बरते और सुरक्षा प्रदान करे, और ऐसे बिल्डिंग है इसमें कभी भी किसी भी समय जाकर थोड़ा सा रेड मारने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर बैंक है और बैंक पर लोग पैसे निकालने आते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ लोग या कुछ युवा नशे करने के बाद किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे। एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और चौकसी के साथ अगर इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दे तो उम्मीद करते हैं कोई बड़ी घटना घटने से यहाँ पर बचाया जा सकेगा या बचा जा सकेगा। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि युवा अभी इस वक्त नशे से दूर रहें, नशे से दूरियाँ बनाएं और अपने घर पर रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।